दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी जीत के बाद बदला आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स को मिली बड़ी खुशखबरी, अब यह टीम बनी नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 32 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को 9 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 के पूरे पॉइंट टेबल को बदल दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल 2022 के 32वें मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही हम जानेंगे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर नंबर वन बने तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 115 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मात्र 10.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाकर 9 विकेट से पंजाब किंग्स की टीम को हरा दिया। और इसी हार के बाद अब आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर पॉइंट टेबल की, तो पॉइंट टेबल में फिलहाल आखिरी पायदान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 6 ही मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है -1.048 के साथ नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 9 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 5 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है -0.638 और 2 अंकों के साथ नंबर 9 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 8 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है -0.562 और 6 अंकों के साथ नंबर 8 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 7 पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.160 और 6 अंकों के साथ नंबर 7 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 6 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.942 और 6 अंकों के साथ नंबर 6 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 5 पर मौजूद है सनराइज हैदराबाद की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.07 और 8 अंकों के साथ नंबर 5 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 4 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.124 और 8 अंकों के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 3 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.380 और 8 अंकों के साथ नंबर 3 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 2 पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.251 और 10 अंकों के साथ नंबर 2 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 1 चल रही है यहाँ पर गुजरात टाइटेंस की टीम, जिन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते और 1 ही मुकाबला आ रहा और इनके 10 अंक है और फिलहाल इनकी नेट रन रेट +0.395 के साथ ये फिलहाल ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है। हम टॉप 4 टीमों की बात करें तो यहाँ पर गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीमें टॉप 4 में चल रही है। तो वहीं पर आखिरी पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम। वहीं दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप के टॉप 5 बल्लेबाजों की, तो फिलहाल यहाँ नंबर 1 चल रहे हैं युजवेंद्र चहल, जिनके 17 विकेट है। तो वहीं पर नंबर 2 पर मौजूद है कुलदीप यादव, जिनके 13 विकेट है। तो नंबर 3 पर टी नटराजन, जिनके 12 विकेट है। तो नंबर 4 पर आवेश खान, इनके 11 विकेट है। तो नंबर 5 पर वनिंदु हसरगा, इनके भी 11 विकेट है। पर्पल कैप के टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर नंबर 5 पर मौजूद है हार्दिक पांड्या, जिनके 228 रन है। तो नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, जिनके 236 रन है। तो नंबर 3 पर फाफ डुप्लेसिस, जिनके 250 रन है। तो नंबर 2 पर केएल राहुल, जिनके 265 रन है। वहीं नंबर 1 चल रहे हैं यहाँ पर जोस बटलर, जिनके 375 रन है। सिक्सर किंग की रेस में फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है दिनेश कार्तिक, जिनके 15 छक्के हैं। तो नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टोन, इनके 16 छक्के हैं। तो नंबर 3 पर आंद्रे रसल, इनके भी 16 छक्के हैं। तो वहीं पर नंबर 2 पर सिमरन हेडमायर, जिनके 17 छक्के हैं। तो फिलहाल नंबर 1 चल रहे हैं यहाँ पर जोस बटलर, जिनके 23 छक्के हैं। यानी कि सिक्सर किंग की रेस में फिलहाल नंबर 1 चल रहे हैं जोस बटलर, पर्पल कैप जोस बटलर के सर पर। तो वहीं पर ऑरेंज कैप युजवेंद्र चहल के सर पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर यहाँ पर नंबर 1 बन पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।